जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सभी लोगों ने बाबा साहब को याद किया। मुख्य रूप से बाबा साहब के जो काम गिनाए जाते हैं वो एक काम गिना दिए जाते हैं कि 8 घंटे उन्होंने काम की अवधि, काम के जो घंटे थे उनको वो कम कर दिए, 14 घंटे से 8 घंटे कर दिया गया। उसके अलावा मैटरनिटी लीव दे दी गई जो महिलाएं हैं उनको, या उसके अलावा कि जो पुरुष और महिला हैं उन दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा तो शायद आप लोगों को समझ में आ पाए कि बाबा साहब ने मजदूर वर्ग के लिए कितना सारा काम किया और क्यों किया। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोज़ भी जाकर देखिए, और अगर आप सक्षम हैं तो बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम लोग ये काम लगातार सुचारू रूप से करते रहें। वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब, उन्होंने मजदूर वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए। जब मैं सूची बनाने बैठा तो टोटल 71 ऐसी पॉलिसीज और बिल थे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरों के ऊपर लागू होते हैं, या मजदूरों का भला करते हैं, या मजदूर उन बिलों से प्रभावित होते हैं, लेबर जो क्लास है वो। उनमें से सिर्फ 28 बिलों के बारे में, 28 पॉलिसीज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चीज समझ लें कि बाबा साहब ने मजदूरों के लिए, लेबर क्लास के लिए इतने सारा अपना योगदान क्यों दिया, इतनी मेहनत क्यों की। उसका एक बहुत जो मुख्य कारण है, आप लोगों में से सभी लोग जानते होंगे कि बहुसंख्यक वर्ग जो है लेबर क्लास का, वो आता है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, इन लोगों में से। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, या हमारी भाषा में जो ऑपरेसर कास्ट या कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो अत्याचारी, दमन करने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं या कास्ट हैं, उनके लोग लेबर क्लास नहीं हैं। हैं उनके लोग भी, लेकिन बहुत कम हैं। बहुसंख्यक जो तादाद है वो हमारे लोगों की है, हमारे लोग इन द सेंस जो बहुजन तबका है उसकी। इसीलिए बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेकर आए लेबर सेक्टर के अंदर। हम उसके ऊपर भी आएंगे, बिल्कुल सूची 28 बिलों की सूची में आपको दूंगा। तो हमें ये हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे जो पुरखे थे उन्होंने इतने महान काम किए हैं, इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स वो लेकर आए हैं। क्योंकि किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, जिसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, जिसको अगर पढ़ने की जगह मिल भी गई तो भाई आप क्लास के बाहर बैठ के पढ़ो, या आपको पानी नहीं पीने का मौका मिलेगा, आपको दूर से ही पानी पिलाया जाएगा, जब पीऊन आ जाएगा यानी कि चपरासी जो है वो आ जाएगा तब आपको पानी पीने को मिलेगा, है ना। आप मीलों दूर पैदल चल के जा रहे हैं, आपको उसमें बिठाया नहीं जाएगा, बैलगाड़ी में नहीं बिठाया जाएगा। इन सारी चुनौतियों को देखने के बाद, इन सारी चुनौतियों को फेस करने के बाद बाबा साहब ने इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स वो लेकर आए हैं। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर है। हम तो उनके किए हुए कामों को भी ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपने समाज तक। लानत है हमारे ऊपर, हमें सोचना चाहिए। मेरी भाषा थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सोचिएगा कि क्या जो बाबा साहब ने किया था उसका 1% भी हम कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या 1% भी हम उतना कर पा रहे हैं उनके बराबर। डॉक्टर अंबेडकर जब 1942 से लेकर 1946 तक जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के श्रम सदस्य थे, उस समय उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कानून और नीतियों का बीड़ा उठाया, जिनमें से पहला जो पॉलिसी है, कानून है, वह भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन करना और स्थायी श्रम समिति तथा श्रम कल्याण समिति का गठन करना। दूसरा, अधिकारों, सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों के संबंध में श्रम कानून का अधिनियम बनाना। तीसरा, मुख्य श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना करना। चौथा, श्रम जांच समिति की नियुक्ति। पांचवा, न्यूनतम मजदूरी तय करने की मशीनरी यानी कि जो आपका एक जो मिनिमम वेज है वो तय करने का एक पूरा जो तंत्र है उसकी स्थापना करने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान था। औद्योगिक रोजगार में रोजगार कार्यालयों का गठन और स्थायी आदेश, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोर्ड जो होते हैं वो स्थापित करवाने में भी बाबा साहब का ही योगदान था। इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड स्टैंडिंग
ऑर्डर इन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट्स, सातवीं नीति या अधिनियम, ट्रेड यूनियन की मान्यता, जो ट्रेड यूनियन है उनको मान्यता दिलाने का काम उसके लिए जो बिल बनाया गया वो बाबा साहब ने बनवाया था। आठवां काम, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन। हालांकि आज की डेट में समान वेतन कितना मिल रहा है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन बाबा साहब ने उस समय तय कर दिया था कि महिलाओं को पुरुष के बराबर ही समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन कितनी महिलाएं हैं जो बाबा साहब को इस काम के लिए धन्यवाद देती हैं? हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोगों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो बहुजन तबके की कम्युनिटी की, बहुजन कम्युनिटी की जो फीमेल्स हैं वो तक उनको पूछती नहीं है। पूछना तो दूरी है, पूछने की तो मैं हक में नहीं हूं, लेकिन पूछती तक नहीं है कि बाबा साहब कौन है। ये दुर्भाग्य है। वो कहावत है ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये वैसी कुछ कहावत है। उसके बाद नौवां काम, अधिकतम काम के जो घंटे हैं वो 8 घंटे कर दिए। पहले 14 घंटे तक काम करवाया जाता था, लेकिन बाबा साहब ने उसको 8 घंटे किया। और अभी पिछले ये कोविड के अंदर इन लॉज की धज्जियां उड़ा के रख दी गई हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ यानी कि मैटरनिटी लीव, जो भी फीमेल्स हैं स्पेशली ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लागू होता है, और जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर में, छोटी कंपनी नहीं देती, वो निकाल देती है औरतों को, लड़कियों को, या अगर कोई भी प्रेग्नेंट है फीमेल तो उसको निकाल देगी वो कोई ना कोई रीजन दे, क्योंकि फिर 3 महीने की या 4 महीने की सैलरी भी देनी पड़ेगी घर बैठने की, तो वो इसलिए निकाल देते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कानून तो बनवा दिए, लेकिन इन लोगों ने, इन चालू लोगों ने उन कानूनों को किस तरह से मिसयूज करना है उसका भी रास्ता ढूंढ लिया। तो जिन महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, शुक्रिया अदा करें डॉक्टर अम्बेडकर का। वो आपके काली, दुर्गा और सीता, ये लोग नहीं देने आए थे आपको, ये बाबा साहब ने दिया था, तो कद्र कीजिए इसकी। 11वां काम, काम के घंटों के दौरान भोजन का समय और कैंटीन की व्यवस्था। आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कैंटीन होती है ना, उसके लिए भी जो बिल और जो पॉलिसी यानी कि अधिनियम और जो नीति बनाई गई है वो बाबा साहब ने बनाई। उस ड्यूरेशन में 8 घंटे के काम के ड्यूरेशन में आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, काहे के लिए, लंच करने के लिए। किसी किसी कंपनी में 1 घंटा होता है, वो डिपेंड करता है सबकी अपनी पॉलिसीज। उसके बाद 12वां काम, प्रशिक्षण और पदोन्नति यानी कि ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। अब कंपनी के अंदर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके बाद आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जिस जगह, जिस डेजिग्नेशन पर ज्वाइन किया है, सिर्फ आप उसी डेजिग्नेशन पर नहीं रहेंगे, आपको समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी और फिर उसके बाद आपका प्रमोशन भी होगा। तो ये इस चीज़ की व्यवस्था भी बाबा साहब ने की है, लेकिन हमारे लोग, कम्युनिटी के लोग एहसान फरामोश हैं। माफ़ी चाहूँगा मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन एहसान फरामोश है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया है। हम अपने माँ बाप को तो नहीं भूलते ना, उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम नहीं भूलते उनको कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन फिर ऐसे उस इंसान को हम क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, इतने सारे अधिकार हमें दे दिए। 13वां काम, वेतन सहित छुट्टी, यानी कि ऐसी छुट्टियाँ जो कि पेड लीव रहती हैं। आपने सुना होगा कंपनी के अंदर महीने की 2 लीव आपको पेड लीव मिलती हैं या फिर 4 मिलती हैं पेड लीव। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो फिर आप आखिरी में उनको सैलरी के तौर पर भी आप कैश करा सकते हैं, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। तो ये किसने किया? हमारे लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं, एंजॉय तो कर रहे हैं उस बेनिफिट को, लेकिन जिसने किया उसको याद तक नहीं कर रहे, और याद कर रहे हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, उनके जो सपने थे उनको ध्वस्त कर रखा है पूरा, बड़ा दुख होता है। उसके बाद 14th नंबर यानी 14वें नंबर का काम, श्रम सांख्यिकी का संग्रह शुरू करना, यानी कि पूरे जो डाटा कलेक्ट करना है, कितने लोग रोज, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, ये सारा जो डाटा कलेक्ट करने का जो काम है वो भी बाबा साहब ने किया था। और उस डाटा कलेक्ट करने के लिए जो संस्था है उसकी आज हालत क्या है देख लीजिएगा आप लोग। 15वां काम, राष्ट्रीय सेवा आयोग का गठन बाबा साहब ने किया था। 16वां काम, श्रम आयोग का गठन बाबा साहब ने किया था। 17वां काम, अनिवार्य और अंशदायी स्वास्थ्य बीमा योजना पर कानून का अधिनियम, कल्याण निधि, यानी कि जो ये जो ECS के जो कार्ड बनते हैं, मैं सही टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, एक बार करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, मेरा कभी बना नहीं। तो जो ECS रहता है यानी कि जो कंपनी की तरफ से आपको कार्ड दिया जाता है, वो एक नंबर रहता है, आप उसको लेकर बीमा जो ऐसे हॉस्पिटल्स बने रहते हैं अलग अलग जिलों में जहाँ पर कि आपको कार्ड दिखाकर
कम उसके ऊपर यानी कम पैसा पे करके आप अपना इलाज करा सकते हो, तो उसकी भी व्यवस्था बाबा साहब ने की। मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, कई लंबी लंबी बीमारियों के इलाज करवा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को कोई नहीं पूछता। अभी दो दिन पहले मेरे एक मामा हैं, उन्होंने फ़ोटो डाला कि शीतला माता की कृपा बनी रहे। अरे आप लोग की यार बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हाँ आप लोग अच्छे कपड़े पहन लो, आज आप कारों में घूम रहे तो शीतला माता का आपको आशीर्वाद चाहिए। शर्म करो यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिसने आपको अधिकार दिलाए उसको याद रखो। 18वां काम, श्रम विभाग के लिए पृथक सचिवालय। 19वां काम, श्रम विभाग में श्रम कल्याण सलाहकार की नियुक्ति। 20वां काम, जबरन श्रम की रोकथाम। यानी कि पहले आप देखते थे कि जो दलित वर्ग है या जो आदिवासी लोग हैं उनको जबरदस्ती काम करा दिया जाता, उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, तो उसका भी रोकथाम की गई बाबा साहब ने की। बहुत जितने भी आप मेजर जो चेंजेस आप देखेंगे ना दलित और आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के जीवन में, वो बाबा साहब की देन है। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई अर्जुन, कोई आपके 33 कोटि देवी देवताओं में से कोई एक व्यक्ति नहीं आया था, सिर्फ एक व्यक्ति जो कि इंसान था उसने आपके जीवन को बदला। 21वां काम, बाल और महिला श्रम को सुरक्षा। अपन लोग देखते हैं कि आज की डेट में भी कितने छोटे छोटे छोटू जिसको अपन हम लोग खुद भी बोल देते हैं कई बार, अरे छोटू चाय ले आना, वो जो चाय की टपरी पे काम करने वाला छोटी, वो कानूनी रूप से सही नहीं है उनका काम करना। या फिर हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ शोषण होता है उनके वर्क स्टेशन पर, वर्क प्लेस पर, कई जगह मेरे कई सारी मित्र हैं, महिला मित्र हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, वो फेस करती हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही ये मतलब अमानवीय चीज़ है कि आप किसी की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं। 22वां काम, शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया। आप देखते हैं कि अलग अलग ज़िले के अंदर आपको जो श्रम विभाग है वो अलग से है ना, तो वहाँ पर आप जाते हैं अपना जो भी आपकी शिकायत होती है वो दर्ज कराते हैं, फिर उसके ऊपर एक लेबर इंस्पेक्टर जाता है उस कंपनी में और वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करवाता है, तो उसका भी जो इंतज़ाम करवाया वो बाबा साहब ने किया। फिर 33वां काम, कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम, विभिन्न कल्याणकारी उपाय जैसे कल्याण निधि, शिशुगृह, पिथेड स्तरण, स्वच्छता, कैंटीन, रियायती दरों, शुद्ध पेयजल और प्रकाश, बैठने की व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय और मलमूत्र आदि के साथ, मतलब ये सारे जो काम हैं एक कारखाने के अंदर, एक कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब बैठने के लिए सही जगह होनी चाहिए जहाँ से प्रकाश आता हो, पीने का पानी साफ होना चाहिए, वॉशरूम अच्छे होने चाहिए, है ना, रियायती दरों पर कैंटीन होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े कॉल सेंटर्स के अंदर आपको खाना दिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आपको खाना दिया जाता है कम उसके दर पर, है ना। तो शिशुगृह, अगर कोई जो लड़की है या फिर जो भी आप कह लीजिए लड़की महिला, कोई भी अगर फीमेल है अगर उसका बच्चा है तो उसके लिए एक अलग से जगह दी जाती है जहाँ पर वो उसको अपना स्तनपान करा सकती है या फिर वर्किंग आवर में उसको वहाँ बिठा सकती है, लेकिन हालांकि ये मैंने कहीं देखा नहीं अभी तक। तो इस तरह के जितने भी कल्याणकारी जो काम थे उसके लिए भी बाबा साहब ने अधिनियम बनाया। उसके बाद 25वां काम, विस्थापित काश्तकारों और गैर खेती करने वालों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास नीति का जो अधिनियम है वो भी बाबा साहब ने बनाया। 26वां काम, 6 सितंबर 1943 के पूर्ण श्रम सम्मेलन में तय एजेंडे, मतलब उस श्रम सम्मेलन में कुछ एजेंडे तय किए गए थे, वो क्या थे वो हम बताते हैं आपको। अनैच्छिक बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, महंगाई तय करने के सिद्धांत और भत्ता, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में औद्योगिक विवादों के लिए स्थायी आदेश, प्रांतों में त्रिपक्षीय संगठन, विधायिकाओं और अन्य में श्रम का प्रतिनिधित्व, निकाय और भविष्य निधि के लिए मॉडल नियम, भविष्य यानी कि प्रोविडेंट फंड। तो ये सारे एजेंडे बाबा साहब ने तय किए और उस पर चर्चा हुई, उस पर फिर आगे चल के कानून बने, नीतियाँ बनी, ठीक है। 27वां काम, त्रिपक्षीय सम्मेलन का गठन, श्रम नियोक्ताओं और सरकारों को शामिल करते हुए व्यापक सामाजिक का परिचय, श्रम नीति के निर्णय लेने के लिए, मतलब कि सरकार को और जो प्राइवेट सेक्टर है उन सबको साथ लेकर आके एक जो श्रम नीति है उसको बनाने के लिए निर्णय लिया गया। उसके बाद 28वां काम, बेबीज
रिपोर्ट दिसंबर 1942 आदि पर आधारित व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीतियों की शुरुआत। तो इतने सारे काम, ये 71 कामों में से सिर्फ 28 काम मैंने आपको गिनाए हैं, बाकी 71 काम है ना, 71 कामों में से सिर्फ 28 मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरे 71 कामों के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि इतनी डिटेल में किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। ये 28 जो काम है वो बाबा साहब ने वायसराय की जो कार्यकारी जो समिति थी उसके जब वो श्रम सदस्य थे तब उन्होंने किए थे। इसके अलावा भी और काम है, अगर कहेंगे तो वीडियो में बना दूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। अगर मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये जानकारी कैसे लगी मेरी। थोड़ी बहुत जो मैं रिसर्च करता हूं, किताबें पढ़ते रहता हूं, उससे क्या आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हो पा रही है या नहीं हो पा रही, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं रजत मौल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब, फिर किसी भी जातक कथा के साथ, फिर किसी व्यक्ति के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। Yeah.